जी क्वेश्चन नंबर 7, द पॉलीनोमियल, ये वाली पॉलीनोमियल है, हैज़ फैक्टर, ये उसका फैक्टर है, डिवाइज़र जब फैक्टर हो ना तो तब रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, तो इस फैक्टर की वजह से हमें पता चल गया इसका रिमाइंडर ज़ीरो है। उसके बाद इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36, बाद में उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, व्हेन डिवाइडेड बाई, ये वाला उसका डिवाइज़र है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम, ये आपका एल है और ये एम, इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन लिखेंगे ऐसे, ये पॉलीनोमियल लिख ली, अगर तो फैक्टर है एक्स प्लस फोर, तो मैंने पहले बताया रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, फैक्टर जब भी होता है ना, यानी ये वाला डिवाइज़र का नाम अगर फैक्टर हो तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, अगर तो डिवाइज़र एक्स माइनस टू है तो फिर उसका रिमाइंडर 36 आएगा, तो वैल्यू आपने फाइंड करनी है एल और एम की। उसके लिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही पैरेलल करेंगे, यानी इधर से आप एक्स की वैल्यू आएगी नेगेटिव फोर, वो इस तरह से कि जी इधर से आपका ये जो फैक्टर है ना, अगर ज़ीरो लें तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव फोर आएगी और इधर से एक्स की वैल्यू पॉजिटिव टू आएगी, तो लिखेंगे पुट एक्स की वैल्यू इधर नेगेटिव फोर और इधर एक्स की वैल्यू टू इस पॉलीनोमियल में, इस जगह इधर इसमें आपने नेगेटिव फोर पुट कर दी वैल्यू और इस तरफ टू पुट कर दी, तो इधर से ये वाली चीज़ आपको पता है रिमाइंडर कहते हैं, इसको भी रिमाइंडर कहते हैं, तो रिमाइंडर इधर कितना है ज़ीरो, इधर आप ज़ीरो पुट कर दीजिएगा और इधर रिमाइंडर कितना है 36, इसकी जगह 36 पुट कर दीजिएगा, ये आएगा नेगेटिव 64, ये नेगेटिव फोर का स्केयर 16 बनेगा, तो ये प्लस 16 एल आ जाएगा, इधर से आ जाएगा माइनस 4 एम और ये प्लस 24 आ जाएगा, और ये 2 का क्यूब बनेगा कितना जी 8, और ये 2 का स्केयर 4, 4 एल से मल्टीप्लाई होगा तो 4 एल बन जाएगा और ये बन जाएगा 2 एम और इधर से कितना बनेगा 24। इसमें देखिए तो ये वाला 16L और 4M तो ऐसे ही लिख लेंगे, लेकिन इसमें देखिए ये नेगेटिव 64 है, ये प्लस 24 है, तो ये आएगा नेगेटिव 40 जी, इस तरह से नेगेटिव 40 आ गया, इधर से ये 8 प्लस 24 ये 32 बनेगा, तो बाकी वही लिखा 4L प्लस 2M प्लस 32, ये 32 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 36 माइनस 32 तो क्या आ जाएगा 4, तो बाकी वही लिखेंगे 4L प्लस 2M, इधर से भी आप 40 जो है ना इसको दूसरी तरफ ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्या आएगा 16L प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस आना था, माइनस 4M। अब इन दोनों में से आप 4 कॉमन ले लें तो बाकी रहेगा 4L माइनस M 40, ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 40 के नीचे 4 आएगा तो क्या आंसर आ जाएगा 10, यानी 4L माइनस M, इधर भी वही आएगा 4L माइनस M, उसकी वैल्यू 10 आ गई। इधर से आपने इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो 2L प्लस M बना, तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो इधर बच जाएगा 2, यानी 2L प्लस M, आपने इन दोनों में M की वैल्यू ले आइए, एम इधर ही रहेगा, ये 2L जो है इधर आके माइनस कर दें, यानी 2 माइनस 2L इज इक्वल टू एम, एम उधर ही रहा पॉजिटिव है और इस तरफ से एम जो है नेगेटिव है, इसलिए आप इसको इस तरफ ले आइए तो पॉजिटिव बन गया, इधर लिखा 4L और ये 10 इधर आके माइनस होके ऐसे बन गया। अब देखिए आपके पास आ गई है, इधर से एम की वैल्यू ये है, इधर से एम की वैल्यू ये है, अब आप इसको कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग इधर से 4L माइनस 10 लिखा, 2 माइनस 2L लिखा, तो अब इस तरह से L की वैल्यू हमारे पास आने लगी है, ये देखिए 2L इधर लेके प्लस कर दीजिए, 2L प्लस हो गया, ये उधर जाके प्लस कर दीजिए 2 प्लस 10, तो ये देखिए 6L इज इक्वल टू 12 बना और L की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, यानी 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो L की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपने M की वैल्यू फाइंड करनी तो वो चाहें तो आप इधर से कर लीजिए, इनका इक्वेशन नंबर लिख लेते हैं, इसका नाम इक्वेशन 2 था, इस तरह पहले वाली इसका नाम इक्वेशन 1, अब आप M की वैल्यू चाहे इधर से फाइंड कर लें चाहे इधर से, मैं इधर से फाइंड करने की कोशिश करूँगा, तो यही लिखा M इज इक्वल टू 4L फ्राम इक्वेशन 1 माइनस 10 ये वाली, तो L की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दे, अभी जो हमने फाइंड की है 4 इंटू 2 माइनस 10, तो ये बना जी
8 माइनस 10 इज इक्वल टू नेगेटिव 2, ये आपके पास m की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, m की वैल्यू -2, l की वैल्यू +2।